कौन है? एक बार और। एलिस आ गई, लेकिन बस स्टॉप गलत है। गलत बस स्टॉप। रुको रुको, वो बस के पीछे भागती है लेकिन वो चली जाती है। ओह, कितना अच्छा घर है। एक बहुत ही सुंदर घर देखती है। ओह, ये खुला है, मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर आने का फैसला करती है। यहाँ कोई है क्या? ओह, कोई नहीं, मैं अंदर जाती हूँ। और इसी बीच घर का मालक भालू बाग में है। एलिस बिना पूछे घर के अंदर चली जाती है। ओह, यहाँ कमरा है। फिर वो रसोई में जाती है। ओह, और टेबल का एक सेट देखती है। क्या वे मेरा इंतजार कर रहे थे? और वो बिना पूछे बैठ जाती है। मुझे कितनी भूख लगी है, मैं अब अच्छे से खाने वाली हूँ। वो बहुत 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 ज्यादा लेती है। ये बहुत भारी है। वो तो बस गड़बड़ करती है। कुछ तो कमी है। वो सीरियल में दूध डालती है। ये काफी अच्छा है। एलिस एक बड़े चम्मच के साथ खाती है और वो पूरी गंदी हो जाती है। मेरा पेट भर गया। इसी बीच घर का मालिक भालू बगीचे की सफाई कर रहा है। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। एलिस को रंग और एक कैनवास दिखता है। वाओ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। उसने बिना पूछे पेंटिंग करना शुरू कर दिया। वो पेंटिंग कर रही है। वो पूरी तरह रंगी हुई है। और भालू घर का मालिक अभी भी गार्डन साफ कर रहा है। वो मैं कितनी गंदी हूँ, धोने की जरूरत है। वो हाथ धोने का फैसला करती है। मुझे और झाग चाहिए। वो बहुत सारा झाग बनाना शुरू कर देती है। मुझे झाग बहुत पसंद है। बहुत बहुत सारा झाग। ओ, इतना सारा झाग, मैं जाती हूँ। एलिस ये सब छोड़कर वैसे ही भाग जाती है। झाग बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। इसी बीच भालू ने अंदर आने का फैसला किया। उसे लगता है कि कोई तो अंदर है। एलिस बेडरूम में जाती है। यहाँ बिस्तर है, मैं कितना थक गई हूँ। और वो कूदना शुरू कर देती है उस बड़े बिस्तर पे। वो लगभग रसोई में पहुँच गया। और क्या, उसका खाना किसने खाया? ओह, बाथरूम तो झाग से भरा है। और अब उसने कैनवास को देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया। एलिस पंखों को बिखराते हुए ऊपर नीचे कूदती है। कितनी गंदगी है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस गया है। भालू बेडरूम में देखता है कि कोई लड़की अपने बिस्तर पर कूद रही है। आप कौन हैं? भालू लड़की को डराने का फैसला करता है। एक बार और। लेकिन एलिस को वो प्यारा लगता है, तो भालू लड़की की तरह मजा लेने का फैसला करता है।